perfect so now let's move again to the another debug method now again i'm going to make some mistake over here see average what is expected average is 15 which is we are getting but now i'm going to change it here instead of writing some here i'm going to enter a... now see what is the average getting calculated 10. this is the wrong answer, right this is wrong answer or wrong result wrong outcome we are not expecting 10 we are expecting 15. so now another technique to debug प्रॉब्लम लाइक दिस तो हमेशा डीवर्क करना चाहिए तो अब वो कैसे करेंगे एक तरीका तो मैंने बता दिया system .out लगा के कर सकते हो अनदर तरीका ये जो लाइन नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इन लाइन नंबर्स के बाजू में यहाँ पे आपका जहां मन करे न वहां पे डबल क्लिक कर दो जहां मन करे वहां पे डबल क्लिक कर दो जहां मन करे वहां ये डबल क्लिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करके देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे ऐसे एक फुल स्टॉप जैसा कुछ तो आ रहा है पॉइंट वाला जैसा कुछ तो आ रहा है बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ सो व्हाट इज दिस पॉइंट नाउ इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्या बोलते हैं इसको ब्रेक पॉइंट लेट मी राइट इट फॉर यू इस पॉइंट जो है ऐसे पॉइंट इन पॉइंट को बोला जाएगा ब्रेक पॉइंट हाउ मेनी ब्रेक पॉइंट यू कैन इंसर्ट इन योर कोड नंबर ऑफ जितने चाहिए उतने आप लगा सकते हो आपके प्रोग्राम में हर लाइन को लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये होता है कि जावा यहाँ पे आके रुक जाएगा एग्जुकेशन जावा का एग्जुकेशन यहाँ पे आके रुक जाएगा क्या करने वाले हम लोग इन exactly? एग्जैक्टली तो हम लोग जब अब रन करेंगे तो हम उसको स्लोली स्लोली एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम देखना चाहते हैं कि हर लाइन पे क्या काम हो रहा है एवरी वन यूज यूजिंग दिस टेक्निक इन कंपनी एज वेल तो हमें जहां पे चाहिए ऐसे ब्रेक पॉइंट लगा दिए ना जब हम ऐसा राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं तो अपना रिजल्ट डायरेक्टली आ रहा है अब हमें डायरेक्टली नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो उसके लिए हमने क्या किया ऐसे ब्रेक पॉइंट लगा दिए हर लाइन पे जहां पे भी, भी अपने को चाहिए वहां पे हाँ यहाँ पे क्लास की जगह पे मत लगाना यहाँ पे लगा दोगे तो वो क्लास नाम का जावा के अंदर क्लास भी होता है वो उसके अंदर जाएगा सही तो यहाँ पे मत लगाना इवन दो मेन मेथड एज ठीक है वो अंदर घुस जाएगा so, better way इसको हटा देते हैं. पे so, पे पे लगाना नहीं है? Class की लाइन पे and main method की बाकी आप कहाँ भी लगा सकते हो no problem. Now, अब -क्लिक करके रन एज एप्लीकेशन नहीं करना क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर आता है अपने को टारगेट क्या है अभी स्लोली स्लोली एग्जीक्यूट करना तो कैसे करेंगे राइट क्लिक करेंगे डीबक एज करेंगे जावा एप्लीकेशन अब देखो बराबर यहाँ पे आके वो रुक जाएगा यानी जावा yes. yani यहाँ पे आके रुक गया है नाउ यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा देखो स्टेप ओवर लिख के आएगा या यू कैन यूज अ शॉर्टकट ऑफ की बोर्ड एज वेल एप सिक्स सो जस्ट क्लिक ओवर हियर ये क्या हो जाएगा अगली लाइन पे चला जाएगा देखो अब यहाँ से क्या बोल रहा है वो यहाँ से वो एवरेज मेथड के अंदर जाएगा ऐसा बोल रहा है ना एवरेज मेथड इज गेटिंग कॉल्ड

20 आया है ना क्योंकि 20 भी चक ना नाउ अभी तक सम कैलकुलेट हुई है क्या नहीं देयर इज नो कैलकुलेशन फॉर द सम नाउ हियर आई एम गोइंग टू अगेन ब्रेक ऑन नेक्स्ट बट नाउ लेट्स सी सम के अंदर कितनी वैल्यू आई है 30 दैट मींस व्हाट एडिशन परफॉर्म हो चुकी है यू कैन सी और ये रेज सम इज इक्वल टू 30 और यू कैन डायरेक्टली सी दिस नंबर 30 नाउ यहां से रिटर्न क्या हो रहा है देखो 20 होना क्या चाहिए था 30 करेक्ट सो दैट मीन वॉट अगर ये बी रिटर्न हो रहा है तो बी के अंदर वैल्यू कितनी है it again, it Now, और के अंदर कितना ट्वेंटी क्यू क्योंकि बी से रिटर्न हुआ ना ट्वेंटी यहाँ पे हमें था? आएगा. Now, गलती, गलती पकड़ी गई नकड़ी गई मेक so दैट जगह पे क्या लिख देना पड़ेगा अपने को सम लिखना पड़ेगा अभी तक रिजल्ट कुछ प्रिंट हुआ है क्या क्लिक so, कर देता हूँ करते -करते आप पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हो ना हमें तो गलती पकड़ी गई है सो स्टेड ऑफ बी वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू राइट दो अब डी बग करके लिखते हैं डीबक एज एप्लीकेशन अगेन आके रुकेगा

क्या इस तरह से आप डिबक स्लोली स्लोली सीख सकते हो होगी आपने भी बहुत सारे कोड लिखे होंगे जरूरी नहीं कि जैसा मैंने कोड लिखा वैसा ही आप लिखो आप आपके हिसाब से कोई भी कोड लिख सकते हो बट मेक श्योर कि जब आप कोड लिख दो उसके बाद डीबक करके देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो यह आपको एकदम आसानी से आ जाएगा चलो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था लेट मी शो यू अनदर कोड एक सिंपल सा कोड दिखा देता तो हूं मैं आपको लेट से एक कोड है मेरे पास यहाँ पे होपली यू आर एबल टू सी दिस कोड अब ये जो कोड है इस कोड को हम डिबक करेंगे पहले तो डायरेक्टली रन करते हैं क्या कोड है ये कुछ नहीं टोटल काउंट ऑफ ओवेल्स फ्रॉम द गिवन नेम ये प्रिंट कर रहा है सो लेट्स रन दिस कोड रन एज जावा एप्लीकेशन हाउ मेनी टोटल ओवेल्स आर अवेलेबल इन दिस कोड सिक्स ओवेल्स आर अवेलेबल इजी जावा बाय सेवन छह ओवेल्स अवेलेबल है इसमें

नाउ राइट क्लिक करके रन एज डायरेक्टली जावा एप्लीकेशन करेंगे क्या नहीं उसे क्या होता है डायरेक्ट आंसर आता है क्या करना है रुका रुका के चलाना है तो कैसे करेंगे डीबग बग एज जावा एप्लीकेशन देखो जावा भी यहाँ पे रुक जाएगा अरे टू सी दिस लाइन यस नाउ मूव हेड नाउ व्हाट इज देयर इन दर इजी जवाब है सागर स में आ जाएगी देखो अभी भी आई है क्या नहीं आई है लेकिन अब जैसे मैं आगे करूंगा जवाब है सागर का फर्स्ट लेटर हर शब्द का कैपिटल था अब क्या हो गए सारे सेम हो गए सब स्मोल केस में आ गए फिर क्या किया अकाउंट देखो अकाउंट के अंदर वैल्यू कितनी है कितनी इंग्लिश करिए जीरो see, की वैल्यू कितनी है जीरो नाउ

जो इंडेक्स हम पास करेंगे उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो रिटर्न करता है दैट व्हाट ये यहाँ पे अगर आई की वैल्यू जीरो है इसका मतलब इसके अंदर क्या आया होगा e आया होगा नाउ इज इज इक्वल इक्वल टू टू नो सो ये आगे जाना चाहिए सो अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस देखो ये अगली लाइन पे गया नाउ इधर भी जीरो ही होगा ऑब्वियसली तो जीरो इंडेक्स पे क्या है ई e है तो नाउ ई इज इक्वल टू इज इक्वल टू ई आंसर इज यस अब ये क्या होगा एक काउंट ऐड कर देगा यानी जहां पे पहले काउंट की वैल्यू जीरो है वो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगी वन हो जाएगी देखो गया डायरेक्टली काउंट पे अब जरा देखते हैं कि काउंट की वैल्यू क्या दिखा रहा है वन दिखा रहा है सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू अगेन प्रोसीड इफ के अंदर गया अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी नाउ अभी वन इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर देखो जरा क्या है स्मॉल ए नाव ए इज इक्वल टू ए है तो अभी क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से कहा जाएगा काउंट प्लस प्लस करने जाएगा देखते जाता है क्या हाँ गया अब देखो काउंट की वैल्यू क्या हो गई टू हो गई अब देखो जरा एस आएगा ना वैल्यू टू हो जाएगी देखो डी आई की वैल्यू क्या आ गई है टू आई है दैट मीनस व्हाट टू सेकंड इंडेक्स टू बोले तो सेकंड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू कौन सा कैरेक्टर है एस सो नाउ एस इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए आंसर इज नो

The count is six now. The count is six. So, hopefully you understand the example as well and you can definitely try at your home. Please do it. Uh, बहुत सारी practice करो. एक नहीं कम से कम दस कोड के ऊपर debug करके देखो. Definitely आपको debug करना आ जाएगा. बहुत